स्लम बस्ती के लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता निभा पाठक का साथ और सहयोग मिल रहा है। निभा पाठक ने कहा कि जिला प्रशासन को स्लम बस्ती के लोगों के दर्द को समझना होगा, किस परिस्थिति में वे लोग यहां पर रह रहे हैं। नगर आयुक्त, मेयर, अंचलाधिकारी और जिलाधिकारी सभी को इनकी मजबूरी समझनी होगी। ऐसा न हो कि जुल्म की वजह से यहाँ से एक और भीमराव अंबेडकर पैदा हो जाए। इसलिए जिला प्रशासन को इन लोगों की बातों को गंभीरता से सुनकर उनका निराकरण करना चाहिए। बता दें कि अघोरिया बाजार चौक स्थित स्लम बस्ती की सरकारी भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर है। नगर निगम ने इसकी मरम्मति का जिम्मा उठाया है। नगर निगम के तरफ से सरकारी भवन में रह रहे लोगों को अविलंब भवन खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसका विरोध वहां रह रहे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि या तो हमारी मौजूदगी में भवन की मरम्मति की जाए या फिर हमें लिखित रूप से आश्वासन दिया जाए कि मकान मरम्मति के बाद हमें पुनः बसा दिया जाएगा। और बूढ़ा आदमी हती सब दिन बाप दादा हमार सके यहाँ गुजर गए, बापो मर गए, दादो मर गए, परदादो मर गए, हम सब यहाँ घर बना के झोपड़ी में रह गए। झोपड़ी में रही रह तो आके हमरा सके कॉलन बिलिंदर चौधरी जे नहीं होता आप... हाँ हम कम से कम 50-60 बरस से यहाँ आए सर। पहले बड़ा जंगल था, हाँ ना जंगल था, काट कूट के मोराई बनाया है वैसे। हम लोग मरी मुर्दारी है, कहूँ पर मोर हट जाता है, हम लोग रंथी बनाने जाते हैं सर। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो सब लोग कहाँ से रंथी उंथी बनवाएंगे, डोम कहाँ से खोजे, हम लोग हरी जाने से। ठीक, हम इस बस्ती में इसलिए खड़ा है जो हम भी मानव है, ये भी मानव है, ठीक है ना। हम दोनों आदमी ही मानव है, चाहे जाति कोई भी हो, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही देखने आए हैं जो इन लोग को कितना परेशानी होता है, 365 दिन गुजारना, एक एक 24 घंटा में एक एक पल गुजारना, तो थोड़ा हम भी गुजार के देखते हैं जो हमको कैसा एहसास होता है, कैसा लग रहा, कैसा लगना चाहिए। यही तो हम घूम करके अपने मीडिया माध्यम के आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो अपने जिला का DM सर हुए, अपने एरिया क्षेत्र का विधायक सर हुए, उसके बाद में क्या कहते हैं वार्ड पार्षद जी हुए, नगर आयुक्त सर हुए, जिला अंचल अधिकारी सर हुए, मतलब जो भी मतलब इस क्षेत्र से इस जुड़े हुए हैं, इसमें इन्वॉल्व है, उस सारे आदमी से निवेदन करते हैं ये बस यहाँ पे आप लोग के लिए तोशक तकिया पलंग सब कुछ के व्यवस्था कर दी जाएगी। बस एक बार आके 24 घंटा आप यहाँ पे विश्राम कर लीजिए, आप खुशी का जिंदगी गुजार लीजिए, तब आपको समझ में आएगा ये लोग अपने 365 दिन का जिंदगी कैसे गुजारता है। यहाँ अघोरिया बाजार स्लम बस्ती का है, यहाँ पे 160 फैमिली का घर है और आबादी कितने हैं वो तो आप समझ ही सकते हो। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, आज से 50-60 साल पहले की बात है, यही घृणा दृष्टि से देखने के कारण एक बाबा भीमराव अंबेडकर बने, जो आज के डेट में इस तरह मतलब जो फॉरवर्ड का आदमी है उनके लिए इतना सारा परेशानी के घर बन चुकी है। तो हम लोग घृणा के दृष्टि से नहीं देखे, हम लोग अपनापन एक मानवता के दृष्टि से देखे, इनको जितना हो उतना सहयोग करें, ऐसा नहीं जो फिर एक न एक दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर कोई निकल जाए घृणा के कारण। तो घृणा नहीं करना है, हम लोग एक मानव है, मानव के नाते इनको सहायता करना है, हम सब अपने एक समाज का एक आदमी है। क्या आप न्याय दिलवा सकते हैं? बिल्कुल दिलाएंगे, दिलाने ही के लिए तो आए हैं, जरूरी नहीं है हम किसी पद पे होंगे तो ही दिला सकते हैं। एक जनता का काम क्या होता है, एक आम नागरिक का काम क्या होता है, जब अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय पे जाकर के आवाज़ लगाना, वही आवाज़ लगाने के लिए हम भी हैं। क्या परिचय? हमारा नाम निभा पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार।